आप लड़ रहे हैं तो हमारे साथ हमने बुलाया था, क्यों ना आए, आना चाहिए था। ये ताकत और बढ़ती थी, लेकिन आपके मन में कुछ अलग होएगा मुझे मालूम नहीं। पहले तो खड़े रहती तो कोर्ट में माड़ा के बाजू में ऐसे ही खड़े रहते थे, हमने जब भी बोला मीटिंग में ये माड़ा के बाजू में खड़े रहते हैं, हमारे साथ खड़े नहीं रहते। अभी थोड़ा अलग से तुझे भाव क्यों, ये की सब धन आएगा, ताकत मांगते आपने, जैसे साहब ने बोला उधर जाना पड़ा उनको। हमारे भी भाई जगताप जी बोले थे दोपहर तक समझो आपका लड़ा हुआ तो मैं आऊंगा, अधिवेशन है, निरूपण साहब ने थोड़ा उपोषण में नहीं बैठना पड़ा, लेकिन भाषण करने को उनको आपको संबोधित करने को दिया, धन्यवाद पॉलिटिशियन का मैं धन्यवाद देती हूँ सीनियर साहब को। लेकिन आगे आपकी सारा नहीं देगी उपोषण का, ये ध्यान में रखो कि हमें घर का हमारे घर के लिए हक मांग रहे, माड़ा नहीं आ रहे, सीनियर साहब ने हमें वादा दिया है हम माड़ा के अधिकारियों के साथ मीटिंग करवा दे, जैसा ही साहब ने भी हमें बोले कि हम माड़ा के साथ आपको मीटिंग करवा के देंगे, नहीं माड़ा ने बुलाया सीनियर साहब तो क्या करेंगे, माड़ा की ये दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, माड़ा की ये दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुंबई गोरेगांव पश्चिम मोतीलाल नगर जन कल्याण समिति के करीब 3500 रहवासियों की यह मांग है कि महाड़ा ने जिस तरह से यहां अपना प्राइवेट डेवलपमेंट के लिए विकासक भेजा है वह उसका विरोध कर रहा है। यह तस्वीरें गोरेगांव मोतीलाल नगर की है जहां पर तमाम रहवासी आज आंदोलन की बात रखी थी, लेकिन मुंबई पुलिस ने इस आंदोलन को खत्म करते हुए महज एक निवेदन पत्र तक लाई है, और मुंबई पुलिस का यह मानना है कि मुंबई पुलिस महाड़ा के तमाम उन अधिकारियों से यहाँ के रहवासियों से एक मीटिंग कराएगी, उस मीटिंग में क्या कुछ तय होता है उसके बाद यह के रहवासी इस बात को समझने और मानने के लिए तैयार होंगे। लेकिन आज मोतीलाल नगर तमाम जो रहवासी थे उन्होंने मुंबई पुलिस को एक निवेदन दिया है कि आपने जो भूमिका निभाई है उस भूमिका के साथ आप खड़े उतरिए। फिलहाल मुंबई गोरेगांव पुलिस की यह भूमिका बेहद जो है जरूरी हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह से लगातार लोगों में नाराजगी है महाड़ा के खिलाफ और महाड़ा ने जिस तरह से अपना प्राइवेट बिल्डर भेजा है उसको लेकर यहाँ के लोग काफ़ी नाराज हैं। लिहाजन आज उपोषण की घोषणा की थी लेकिन मुंबई पुलिस ने किसी तरह से इसको रोका और ये कहा कि हम आगे की जो भूमिका रहेगी उसमें आप सबके साथ खड़े रहेंगे, आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे। फिलहाल क्या कुछ कहती है तस्वीरें, क्या कुछ कहते हैं यहाँ के रहवासियों का वह भी आपको दिखाते हैं। लेकिन इस बीच एक निवेदन के तौर पर मुंबई पुलिस को बीच में किया गया है और मुंबई पुलिस इसमें क्या भूमिका निभाती है यह बेहद एरिया है करने के लिए, तो इसे हमें विकासक लेना पड़ेगा। तो दो दो तीन तीन नाम आए थे विकासक का, तो ये कोई क्यों चुना, अरे उनकी तो मीटिंग देना चाहिए था हमें, ना ही नाम लेने आना चाहती हूँ मैं किसी का भी विकासक का। माड़ा ही डेवलपमेंट करना चाहिए, माड़ा नहीं करना चाहती है तो हम सेल्फ डेवलपमेंट में हम खुद करेंगे डेवलपमेंट। महाड़ा ने प्राइवेट डेवलपर क्यों दिया, क्यों दिया उनको ना मीटिंग लिया डायरेक्ट उसके साथ हाईकोर्ट में गए, वो हमें बोलते ना हमें खारिज करने के लिए, हमें कभी मीटिंग नहीं हमारे साथ लिया उन्होंने, ना कुछ बताया, और डायरेक्ट मुझे भी महाड़ा में महाड़ा ने जब हाईकोर्ट में तभी हमें मालूम पड़ा कि क्या दे रहे हमें, वो क्या दे रहे तभी मालूम पड़ा, तभी हमारा काउंसिल खड़ा होके फाइट। महाड़ा क्या कह रही है, आज क्या बोल, अभी तक हमें नहीं बुलाया, हमने पहले एक लेटर दिया था 19 तारीख को बैठे, लेकिन होली थी इसलिए हम लोग ने बोला जाने दो, उसके बाद अपन उपोषण बैठे के सेकंड लेटर दिया, तो एक भी फोन नया ना बुला दिया। आगे कदम क्या रहेगा मैम आपका, ये तो खाली बोलो झलक है हमारी हाईकोर्ट जस्टिस के पास गई है हमारा मैटर, तभी वो तारीख तो आएगी, हमारे तरफ से जैसे हम आए तो माड़ा को सपोर्ट करेंगे, लेकिन हमारे तरीका अलग नहीं उनके साथ लड़ने का, हम इकट्ठे ही रह सकते हैं और लड़ सकते हैं, लेकिन कैसे हमें हमारा हक देंगे तो हम उनके साथ हैं। मुंबई गोरेगांव पुलिस ने आप लोगों का आश्वासन दिया है कि माड़ा से आप लोगों की मुलाकात बैठक करवा के, हाँ उपोषण में बैठने को नहीं है, एक जीआर के हिसाब से आज़ाद मैदान में बैठना चाहते हैं, उनका भी वैसे उनके ऊपर भी प्रेशर आता है,
तो बोलेगे एक निवेदन दे दो, म्हाड़ा के साथ आपकी मीटिंग ज्वाइन करवा देंगे। हमने सिने साहब को एक ही कहा था कि आज तक उन्होंने एक फोन भी नहीं किया, कम से कम आपको तो फोन करना चाहिए था कि हम बैठना चाहते हैं। नहीं, ये म्हाड़ा की खंबा डा उनको बड़ा बड़ा बिल्डर आया है, विकासक आया है, तो वो हमें समस्या नीचे गिराना चाहता है, तो नहीं होगा। नववर्षाच्या प्रथम दिवशी मोतीलाल नगर 1, 2, 3 च्या रहिवाशांना आपल्या न्याय हक्काकरता उपोषणावर बसावं लागतंय हे ह्या पुरोगामी महाराष्ट्राला शोभनीय नाही। गतिवान सरकार आणि वेगवान निर्णय च्या केवळ होर्डिंग लावणं की त्याची खरं अंमलबजावणी करणं त्याचं टेस्ट केस म्हणून मोतीलाल नगर 1, 2, 3 हा पुनर्विकासचा विषय आहे। काय मागणी आहे लोकांची? मुंबईतलं कुठलंही पुनर्विकास आपण योजना काढून पहा, 33-5 असेल, 33-7 असेल, 33-10 असेल, 33-11 असेल, ह्या सगळ्यांमध्ये रहिवाशांचा सहभाग, रहिवाशांची मेजॉरिटी हा ही त्याची आत्मा आहे। मुंबईतल्या झोपडपट्टी धारकांना आपला हक्काचा विकासक नेमण्याचा अधिकार सरकारने दिलेला आहे, परंतु 50 वर्षहून जुनी म्हाडाच्या ह्या अधिकृत घरातल्या लोकांना त्यांच्याकडनं हा अधिकार हिरवून घेतलेला आहे। ह्याच गोरेगावमध्ये गेले 12-15 वर्ष पत्राचाळीचं विषय आजही ते घोंगडं भिजत पडलेलं आहे, आणि मग दुधानी जळलेला माणूस ताकसुद्धा फुंकून पितो, त्या हेतूनी म्हाडाच्या ह्या रहिवाशांची मागणी अगदी माफक होती की आम्हाला ह्या गोरेगावातल्या मोकळ्या भूखंडावर अगोदर आमची घरं आपण बांधून द्यावं,